लॉकडाउन के बाद एक तरफ जहां बॉलीवुड वाले तरह तरह के नए नए बहाने की खोज कर रहे थे, अगर इतनी सारी खोज ये स्क्रिप्ट लिखने में करते, नए लोगों को मौका देते, नए आउटसाइडर, बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं जिनको कोई जानता नहीं, अगर उनको मौका दे तो वो बहुत सारी अच्छी फिल्मों के स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, अच्छी फिल्में बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को मौका मिलता ही नहीं, ऐसे लोगों का मौका कोई और खाके निकल जाता है, मेहनत वो करे, मौका कोई और खाके निकल जा रहा है। तो बॉलीवुड की असली जो 2-3 सालों तक बर्बादी हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान सुशांत सिंह राजपूत के केस का ही था। फिर जो भी माफिया, नेपोटिज्म, फलाना ढिमकाना, धूमताना नाना, ये जितने भी थे, ये सबके चलते बॉलीवुड बर्बाद हो रहा था। और ये बहाने दे रहे थे कि लॉकडाउन है, थिएटर्स बंद है, इसके चलते कोरोना फैल जाएगा, लग जाएगा दर्शकों को, हम बड़े चिंतित हैं, तो फिल्म वगैरह देखने के लिए कोई जा नहीं रहा है, हमारी फिल्में चल नहीं रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ साउथ की जितनी फिल्में निकल रही थी, सब एक से एक भयंकर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रही थी थिएटर में, मतलब बम्पर कमाई हो रही थी। और उसी में एक आई थी अल्लू अर्जुन की पुष्पा। पुष्पा वो फिल्म जिसमें एक आम इंसान जो बहुत खास इंसान बनता है पूरी फिल्म में, और जो जो उसमें चीजें दिखाई गई है, उसके तो सब फैन हो गए, चाहे यूं वाला स्टाइल हो, पुष्पा झुकेगा नहीं। और देखिए, जब ये पुष्पा फिल्म आई थी, तब लोगों को लगा था कि पुष्पा किसी महिला को लेकर होगी, कोई होगी जिसकी कहानी होगी, और अल्लू अर्जुन शायद उसको बचाते हुए नजर आएंगे, या जो भी कहानी होगी। लेकिन जब निकल कर आई तो भैया, पुष्पा तो निकले अल्लू अर्जुन, उन्हीं का नाम था। पुष्पा समझ के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं, ऐसे ऐसे डायलॉग थे। अब पुष्पा 2 भी आ रही है और पुष्पा 3 भी आने वाली है, ये 3 फिल्में आने वाली है, मतलब पहली तो आ चुकी है, दूसरी आने वाली है, और तीसरी 2 साल के बाद आएगी। ये जो दूसरी आने वाली है, इसका टीजर आपने देख लिया, अल्लू अर्जुन साड़ी वगैरह पहने हैं, पूरा एकदम जतरा वगैरह के लुक में दिखाई पड़ रहे हैं, फिर लोगों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, पैरों से साड़ी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब मारपीट वाला सीन पूरा चल रहा है, पूरा कलरफुल सीन दिखाई पड़ रहा है वहां पे। और इतने ही टीजर को देखकर आप समझ सकते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या बवाल होने वाला है, बवाल बहुत धमाल होने वाला है। और यकीनन ये फिल्म जो है 500 करोड़ की आसानी से कमाई कर लेगी, क्योंकि पहले ने ही बवाल मचा कर रखा हुआ था और तब लॉकडाउन था, और अभी तो समझिए कि बवाल पे बवाल होने वाला है। क्या होगी कहानी, कैसी होगी कहानी, ये तो फिल्म रिलीज के बाद पता चलेगा, क्योंकि फिल्म अभी भी शूटिंग वगैरह चल रही है, उसकी प्री प्रोडक्शन का काम बाकी है, फिर बहुत सारी चीजें होगी, VFX, म्यूजिक, तमाम चीजें होगी। और ये फिल्म कहा तो जा रहा है कि 15 अगस्त के टाइम पर रिलीज होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये फिल्म रिलीज होते होते शायद दीपावली का मौका आ जाए, लेकिन जब भी रिलीज होगी फिल्म भाई फायर होगी। और वैसे आपने टीजर देख लिया है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये टीजर लगा कैसा।